तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज हम जा रहे हैं अमरोहा में स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारी हो रही है वो आपको दिखाने के लिए। आप जो है इस ब्लॉग में आज तक बने रहना। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम देखो इस टाइम अमरोहा के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई बूंद नहीं पड़ रही है देखो, लेकिन आगे जो है तेज बारिश पड़ रही है तो मोटरसाइकिल को कहीं रोक लिया जाए। तो ये देखो ये सड़क जो है सूखी थी, लेकिन यहाँ पर देखो अभी बारिश बंद हुई है। लेकिन आगे चलेंगे हम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है बारिश भी आगे छाती जा रही है। तो चलो चलते हैं, बारिश में फिर सकते हैं आज। बारिश अब रुक गई है। चलो देखो यहाँ पर बारिश रुकी पड़ी है और आगे पड़ ली है। जैसे जैसे बारिश देखो इधर कति शांत है और आगे देखो पड़ ली है। ऐसी आ रही पीछे से हो, मोटरसाइकिल की गद्दी यहाँ पर गीली हो गई है तो ये कपड़े भी गीले करेगी। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। बारिश जो है आगे आगे है और बारिश के पीछे हम हैं। तो यहाँ पर देखो बारिश रुक गई है, कपड़े थोड़े भीगे हैं लेकिन इतने नहीं भीग पाए हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे का नज़ारा। बाकी काफ़ी दूर दूर यहाँ का नज़ारा है, सावर इसी कहते हैं, जहाँ पर एक तरफ बारिश पड़ती है और दूसरी तरफ जो है बारिश नहीं पड़ पाती है। यहाँ पर कितनी तेज़ बारिश पड़ चुकी है और आगे भी पड़ रही है। देखो सामने बारिश पड़ रही है, मैं जूम करके दिखाऊँ थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं दिखा सकते, मोबाइल है। हम इस टाइम जो है कैलसा बाईपास पर आ चुके हैं और यहाँ पर बूंदें पड़ रही हैं, धीरे धीरे पड़ रही हैं लेकिन कम होती जा रही हैं। तो यहाँ से जो है गांधी मूर्ति की दूरी करीबन 1.5 किलोमीटर है। तो चलते हैं और देखते हैं स्वतंत्रता दिवस को लेकर कितनी तैयारी हो चुकी है और अमरोहा जो है किस तरीके से सजा रखा है। तो यहाँ पर ये फल और सब्जी की दुकान ही, लेकिन आगे बारिश काफ़ी तेज़ है। देखो जो सामने जो डिसिया मारी है ना, यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज़ है और पीछे इस टाइम यहाँ पर कम पड़ रही है। तो देखते हैं आगे। तो विपिन भाई देखो काफ़ी तेज़ यहाँ पर बारिश पड़ रही है, मैं आपको अपना फेस दिखाऊं। ये देखो बारिश यहाँ पर पड़ रही है, मज़ा आ रहा है कभी बारिश में कभी मस्त वाला। पेट्रोल पंप रोक लिया, तो पेट्रोल पंप रोक के थोड़ी देर हम इस टाइम पेट्रोल पंप आ गए हैं। यहाँ पर हम पेट्रोल डलवाएंगे पहले तो, और उसके बाद फिर चलेंगे आगे और यहीं थोड़ी बहुत देर हम आराम करेंगे बारिश जिससे कि रुक जाए, यानी कि इंतज़ार करेंगे जगह। झटके देखो अमरोहा में थोड़ा रास्ता ख़राब है, लेकिन गाड़ी वाले बहुत बदतमीज़ हैं, इन्होंने देखो पूरी तरीके से पैर सान दिए। अरे ऐसे झटकों में तो गाड़ी वालों कोई गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि झटके तो काफ़ी हैं, तो झटकों में तो तेज से गिरेगी। तो बारिश पड़ रही है, बारिश में मोबाइल को भिगोने में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आप मेरा विश्वास मानना, मेरा जो फ़ोन है वाटर प्रूफ नहीं है, फिर भी मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ केवल इसी वजह से कोई मेरी वीडियो को देखेगा लास्ट तक और अच्छे व्यूज़ आएंगे तो चैनल मोनेटाइज जल्दी हो जाएगा। बाकी बारिश पड़ रही है, देखो ये बारिश का नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत। तो हम आ चुके हैं इस टाइम गांधी मूर्ति के पास, जहाँ पर जो है स्वतंत्रता दिवस की तैयारी हो रही है और बारिश की बौछार भी काफ़ी पड़ रही है। देखो हम भीग चुके हैं, वाइट टी शर्ट है, मतलब वाइट स्कर्ट है, तो इसमें से दिखाई नहीं दे रहा आपको। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अमरोहा में कितनी खूबसूरती की तैयारी हुई है और बारिश में जो आप ब्लॉग देख रहे हो तो बता देना आपको जो ब्लॉग कैसा लग रहा है। और बाकी कैमरे पे पानी आ गया है तो शायद हो सकता है वीडियो गलती भी आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो सामने ये देखो ये है गांधी मूर्ति, जो कि अमरोहा में स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। ये देखो यहीं पर जो है झंडा फहराया जाएगा कल को, आई लव अमरोहा। ये देखो जी, तो कितना खूबसूरत जो है व्यू आ रहा है यहाँ से। तो मेरे पीछे जो है ये गांधी मूर्ति है और यहीं पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और तैयारी भी देखो यहाँ पर हो चुकी है, बाकी शेष तैयारी भी हो जाएगी। तो बारिश का मौसम हो रहा है, अब फ़ोन को मैं अंदर रखूँगा क्योंकि फ़ोन बहुत टाइम से पानी में भीग चुका है। वाटर प्रूफ फ़ोन ये है नहीं, तो क्या फ़ायदा कि हमारा फ़ोन जो है ये
बेचारा डेड हो जाए, तो इसलिए हम इस फोन को जो है रखते हैं। तो वो देखो कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर, आपको जो है ये कैसा लगा बता देना। रात को जो है इस पर लाइटिंग जलती है, यानी कि लाइट जलती हैं तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो ये देखो है ना एकदम मस्त, अमरोहा भी धीरे धीरे जो है काफ़ी डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखो ये है गांधी चौक, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और इधर ये देखो और सामने है गेट, अगर तुम्हें भी पहला हो तो ले लो। और यहाँ पर देखो लाइटें भी जल रही हैं, दोनों तरफ लाइटिंग है, काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर हो रही है। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो है इस जगह पर काफ़ी तैयारी भी चल रही है। सामने इसको क्रेन कहते होंगे, और ये गांधी मूर्ति है, इसके चारों तरफ जो है देश का शान जो है तिरंगे को चारों तरफ लटका दिया है। और यहाँ पर ये लाइट है ऊपर, और सामने है रेलवे स्टेशन, काफ़ी खूबसूरत जो है यहाँ का नज़ारा है। और कल जो है यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी, तो कल भी जो है मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊँगा और दिखाऊँगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अमरोहा में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। A few moments later. दोस्तों यहाँ पर देखो पेट्रोल पंप को कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है स्वतंत्रता दिवस पर, और सामने है गांधी मूर्ति। और आज फिर मैं आपको एक बार लेकर आ चुका हूँ, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि फिर भी मैं आपके तभी जो है ब्लॉग लेकर आ रहा हूँ। और आप जो है इस ब्लॉग को जहाँ तक मैं आपको बता सकूँ वहाँ तक आप देखना, बाकी मैं जो है इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दूँगा तो आप देखते रहना। तो सामने है गांधी मूर्ति, और बतेरी जगह ऐसी हैं अमरोहा में जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस काफ़ी हर्ष और हल्लास से मनाया जाता है। और सामने ये देखो कितने कौवे हैं जो मंडरा रहे हैं। मेरी तबादी बोले भी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्लॉग दिखाने के लिए लेकर आ चुका हूँ। तो प्लीज़ यार आप जो है सपोर्ट कर लो, और इस वीडियो को लास्ट तक देखो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो यार। और यहाँ पर ये है देखो क्रीड़ा स्थल, यानी कि यहाँ पर मैच की प्रैक्टिस और रनिंग की वो की जाती है तैयारी। तो हम आ गए हैं इस टाइम देखो गांधी मूर्ति पर, सामने देखो काफ़ी भीड़ है और पुलिस वाले भी काफ़ी संख्या में वहाँ पर जो है मौजूद हैं। मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊं तो यहाँ पर मेरी शक्ल का बाहर है, मैं अपनी शक्ल दिखाने के टाइम ब्लॉग नहीं, क्योंकि इतनी बुरी तबीयत ख़राब हो रही है, जाड़ा बुखार और खांसी, पूरी रात नींद नहीं आई और 4 बजे आ गए। तो ये देखो यहाँ पर सब जो है माला चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और आम लोग भी जो है यहाँ पर माला चढ़ा रहे हैं गांधी जी की प्रतिमा पर। ये देखो जय, मैं जो है इनके दोहरे को चलता हूँ और वहाँ से आपको दिखाता हूँ, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी चल गया है। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है देख लिया है जो हमको यहाँ पर देखना था। अब जो है मैं जा रहा हूँ इस टाइम दवाई लेने के लिए मुरादाबाद से, क्योंकि अमरोहा की जो दवाई है मेरे शरीर को काम नहीं कर पा रही वो ठीक करने के लिए। तो
मैं जो है अमरोहा रेलवे स्टेशन से बैठूंगा एक्सप्रेस से। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद आपका।